सीएम शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर सतना में व्यापक तैयारियां की गई हैं। वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जिसकी शुरुआत मैयर से की जाएगी, जो लगातार 2 दिनों तक जारी रहेगी। इस दौरान सीएम शिवराज का रथ कई गांव में जन आशीर्वाद के लिए जाएगा, जहां सीएम कई जनसभाएं और रोड शो करेंगे, जिसको लेकर मैयर विधानसभा कार्यक्रम के प्रभारी का कहना है कि इस दौरान बच्चे और आम जन अपने माता पिता को साथ लेकर कार्यक्रम में आए, जिनका सीएम शिवराज की ओर से सम्मान किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी अपील है, हमारे स्कूल मैहर जितने स्कूल हैं कॉलेज हैं, लगभग बच्चे यहाँ पर अपने अपने अभिभावकों को लेके आने वाले हैं और एक अपील करने वाले हैं कि माननीय मामा जी, आपने बाकी सब कर दिया, हमको भांजा बना लिया, तीर्थ दर्शन योजना हमारे बुजुर्गों को करवाई, सब काम कर लिया, एक काम रह गया है कि हम माता पिता के लिए भी कोई दिन कोई ऐसा निर्धारित करें कि जिस दिन बच्चे अपना पूरा दिन समय अपने माता पिता को समर्पित कर सकें। इस अभाव से, इस सोच से हम लोगों ने ये चीज़ निकाली कि माता पिता का सम्मान यहाँ पे किया जाए। मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोग सब अपने अपने माता पिता को कल लेकर आने वाले हैं, हम भी अपनी माता जी और पिताजी को लेकर आने वाले हैं और सब लोग मिलकर यहाँ पर उनका पूजन करें। जन आशीर्वाद यात्रा शिवराज जी इस बात पे क्षेत्र में जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता से आशीर्वाद लेना होगा, और आशीर्वाद क्यों प्रदेश की जनता दे, इसका उनके पास हक है। उन्होंने जो किया है उन कर्मों के बदले प्रदेश की जनता से, माताओं बहनों से, गरीब किसान मजदूर भाइयों से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं कि आप सभी लोग हमें आशीर्वाद दीजिए कि पुनः इस माई के धाम से चौथी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बने। इसी भावना के साथ वो यहाँ आ रहे हैं, हम लोग स्वागत करने के लिए।